यूरोपियन यूनियन के सांसदों के कश्मीर दौरे पर विपक्ष ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। सरकार का एक गलत कदम है। आप अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स के डेलीगेशन को इजाजत नहीं दे रहे, राहुल गांधी को श्रीनगर के एयरपोर्ट से वापस भेज रहे हैं, आप अपोजिशन के किसी आदमी को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं, आप अपने देश के मीडिया को भेजने के लिए तैयार नहीं हैं और यूरोपियन पार्लियामेंट के डेलीगेशन को आप भेज रहे हैं। अभी अभी यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सवाल उठाए हैं कि आप कश्मीर के हालात खराब हैं, हमें बताइए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे कितनी फौज लगी है, आप उसका कैसे जवाब देंगे? और अगर आप कहेंगे कि यूरोपियन डेलीगेशन आके जवाब देगा तो आप ह्यूमन राइट्स कमीशन को दावत दीजिए कि खुद आए और कश्मीर में आके देखे, लेकिन आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। आप सेलेक्टिव हैं, अपनी मर्जी से जिसे चाहेंगे भेजेंगे, जिसको चाहेंगे मिलवाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं मिलवाएंगे, जहां चाहेंगे ले जाएंगे, जहां चाहेंगे नहीं ले जाएंगे। अगर देश के विपक्ष को आप कश्मीर ले जाएं और सबको मिलने की इजाज़त दें, हम जो बोलेंगे पूरी दुनिया यकीन करेगी। ये देखिए कि सबसे पहली बात तो यह है कि ये तो पहले यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन नहीं है। यहाँ पर दिल्ली में जो यूरोपियन यूनियन का जो ऑफिस, उन्होंने कह दिया कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है, इन MPs का ये प्राइवेट विजिट है। मुझे इस बात की बड़ी हैरत हो रही है और ताज्जुब भी हो रहा है कि हमारे मुल्क भारत का क्या वजन नहीं है यूरोपियन यूनियन में कि हम उनको बोलते हैं कि ऑफिशियल डेलीगेशन भिजाइए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि हम इस मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है 370 का, वो फैसला उसको वो इंटरनेशनल लेवल पर उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं। और इनका इस क्लियर साइन है डेस्परेशन का कि ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं है और ये MPs आ गए चौतरफ के, उनको ये लोग जगह दिखा रहे हैं। इससे बड़ा डेस्परेशन कोई नहीं हो सकता। मीडिया के लोग पूछते हैं कि भाई ये MEA इन्वॉल्व है, तो MEA बोलता है कि हम इन्वॉल्व नहीं है, आर्मी से पूछिए। आखिर ये डेस्परेशन क्यों है इतना? और दूसरी अहम बात यह है कि आप वो मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर का एरिया है और वहाँ पर ऐसे यूरोपियन पार्लियामेंट के MPs को भिजा रहे हैं, MEPs को आप, जो हिटलर को चाहने वाले हैं, जिनके दिलो दिमाग पर इस्लामोफोबिया भरा हुआ है। आप इससे बड़ा डिजास्टर क्या हो सकता है, बताइए आप। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि सरकार की ये फॉरेन पॉलिसी की जो बात है, ये डेस्परेशन में आ गए। इनके पास किसी को कुछ नहीं मालूम क्या करना है और बस जो इसके जो दिल में आ रहा है कर रहा है। कश्मीर में क्या हो रहा है सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है। उसके ऊपर आप ये हरकत, इतनी बड़ी गलती, इसके ऊपर तो सरकार को जवाब देना चाहिए। But we don't know what the real situation is, so one can't straight away jump to the conclusion that they are concealing. The whole thing is a mystery, but it's very incongruous that on the one hand the government believes and the government says that it's an internal affair of India and no one else can interfere in this, and at the same time we invite 27 parliamentarians from European countries, European court, European parliament, and they are taken there. When Indian MPs are being prevented the permission, are not being allowed to go there, we invite foreigners to go there.